मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज माय टॉपिक इज टेंस। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज सबसे पहले हम प्रेजेंट को ग्रेडिएशन करेंगे और प्रेजेंट का देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस के बाद हम सेंटेंस देखते हैं। हमारे सेंटेंस जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, वो होता है हमारा एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सबसे पहले आज हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अ वर्ब इज सेड टू बी प्रेजेंट टेंस व्हेन द एक्शन इट इज डिस्क्राइबिंग इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ और इन द प्रेजेंट। वो काम जो हमारा अभी या प्रेजेंट में चलता है, वो सारी चीजें, वो सारे टेंस हमारे प्रेजेंट टेंस डेफिनेट टेंस में काउंट होता है। एग्जाम्पल, शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाना गाती है। दिस एग्जाम्पल मेक्स यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज सिंग्स। अब हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और वो है सेज, एंड थस इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज ऑफ प्रेजेंट। और ये हमें बताता है कि ये जो काम हो रहा है ये हमारा प्रेजेंट के अंदर हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया सेंटेंस के तीन पार्ट है, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो फर्स्ट है हमारा, अब हम एफर्मेटिव डिस्कस करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद आइदर एन एस और एन ईएस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एफर्मेटिव में हम सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, एस और ईएस, जो डिपेंड होगा हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब हमारे, जैसे हम सब जानते हैं हमारे तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब हमारा थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर काउंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एस और ईएस, तो हम उसके अंदर एड करते हैं। जैसे ही शी के फर्स्ट पर्सन में हमारा आई यू यूज होता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू यूज होता है एंड थर्ड पर्सन हमारा ही शी हिट होता है। जब हमारा ही शी होता है तो सिंगुलर होता है वो, तो हम उसमें एस के ईएस लगाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, ही स्पीक्स इंग्लिश। इसमें हमने क्या यूज करी है, स्पीक्स के साथ वी यूज फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब विद, ये अगेन विद एस या ईएस। हम देखते हैं यहाँ ही स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर हमने क्या यूज करा है एस, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। नेक्स्ट है वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई वी टू दे, आई वी यू दे के साथ हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल दे ईट फूड, अब हमने यहाँ पर ईट के साथ क्या यूज करा है, यहाँ पर केवल ईट फर्स्ट फॉर्म आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे आ रहा है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज नो एस या यस, इसमें हम एस या यस नहीं लगाते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस का, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, अगर हमारा वाक्य सिंगुलर है तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब देखिए एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है और हम इसमें अगर ही हमारा थर्ड पर्सन है तो हम एस या यस इसके साथ लगाएंगे, तो हमारा क्या बन गया, ही प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट है, अगर हमारा सेंटेंस जो है, हमारा जो वाक्य है वो प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारी कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल आई लिव इन दिल्ली, आई हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था उधर कि आई वी यू दे, उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस ए आई एस नहीं लगाएंगे, तो आई